आदरणीय कश्मीर का साफ है कि अलहमदुल्ला मंदिर आदरणीय कश्मीर जिस तरीके से इस बाबू नगर फातिमा नगर गुरुदास का इलाका पर्दा के अच्छी मंदिर नगर तिवन कुंडा वटेपल्ली ये सारे स्लम इलाके से यहाँ पर तरक्की की काफी जरूरत थी। मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जीएचएमसी वाटर वर्क डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हमेशा ये नुमाइंदगी रही कि हमारे इलाकों गरीब इलाकों के अंदर आप तरक्की के वास्ते डेवलपमेंट होना चाहिए और मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर इस पारूस नगर फातिमा नगर के इलाकों में डेवलपमेंट हो रहा है। आज से आप 10 साल पहले देख सकते थे इस इलाकों में जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर चलने के लिए रास्ते नहीं थे, पानी के लिए पाइपलाइन नहीं थी, इलेक्ट्रिकल के खंभे नहीं थे, जाने के लिए रोड नहीं थी। अलहमदुल्ला मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आज गली के अंदर काम हुआ है। इंशाल्लाह ताला और भी कामा होते रहेंगे और जो भी कामा होता मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन हर इंसान कोशिश कर कर सारे कामा कर रहे हैं। और खास तौर से मैं हमारे खवातीन माओ भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन का साथ दीजिए, मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन के साथ रहिए। यही समझे इत्तेहादुल्मुस्लिमीन आज आप खुद देख सकते हैं हम इस नगर में किस तरीके से डेवलपमेंट का काम हुआ है, बाकी नगर में किस तरीके से डेवलपमेंट का काम हुआ है, दुर्गम का इलाके में किस तरीके से डेवलपमेंट का काम हुआ और अलहमदुल्ला और भी कामा बाकी है। मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन कोशिश कर रहे हैं और सारे कामा आपके दरमियान में करेंगे। आज अगर ताबूत शहरियत के बारे में मैं जरा आपको उनकी रोहित साहब का उत्तर बार रहा हूँ ग्रुप मीटिंग के अंदर और आप तौर से मैं यहाँ के आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन का साथ दीजिए। मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन किस तरीके से इलाके में डेवलपमेंट लेकर आ रही है आप खुद अपने आँख से देख सकते हैं। मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन का काम ये बस्ती के अंदर पिछले 5 साल में जितना बजट बजट हर 5 करोड़ के होता है, मैं सारा मेरा एमएलए बजट इस फातिमा नगर पारू नगर गुंडा का इलाके को लगाया। अलहमदुल्ला डेवलपमेंट हुआ है इलाके का और डेवलपमेंत बाकी है। मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन अभी पीछे नहीं हटेगी उस डेवलपमेंट को, आप बस इतना ही ध्यान रखिए। आज अगर मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन मजबूत है, अगर आज मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन का सर चाहे हैदराबाद और तेलंगाना हिंदुस्तान में जब मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की चाहत है या किसकी वजह से या आपकी वजह से या आज मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन को अगर वीर की हड्डी कोई अगर बोलते हैं तो हमारे आवाज के माहौल पैदा होते हैं। सात दिसंबर के दिन इलेक्शन है और मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन का निशान पतंग है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ फजर के नमाज के बाद आप अपने वक्त निकल कर अपने रोड का इस्तेमाल करकर मजीद इत्तेहादुल्मुस्लिमीन को मजबूत कीजिए। शुक्रिया। आइए हमारे और आपके हम भी अभिप्राय
नतीजे मिलत अलहाज बारिश का नतीजे।